हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। शिकायत इसकी नहीं है कि उसने जुल्म किया, गिला तो ये है कि जालिम ने इंतहा नहीं की कि हम ही लाएंगे लूटी हुई दौलत वापस। कहा सभी ने, किसी ने भी इब्तदा नहीं की। मुल्क की सियासी हालत कैसे करूं बयां, जरा सा झूम लूं मैं, अरे नारे नारे ना। देखने वाली है मेरी खुशी क्योंकि तशरीफ ला रहे हैं वासु चौधरी। आने वाले गर्मियों की इन गर्म रातों में मजाक रात की ठंडी जुगतों के साथ आप सबको अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? थैंक यू। कैसे हैं आप लोग? जी अल्लाह का शुक्र। लेकिन अल्लाह का शुक्र हमारा एंकर जो सबसे कम उम्र का एंकर है। अच्छा, पढ़े लिखे ने तलीम दा बड़ा फायदा हुंदा ही। पढ़े लिखे ने? हां जी, बहुत पढ़े लिखे ने। मैं तुहानूं दस्सदा किन्ना। मैं इन्हां नूं पुछिया, मैं कहा यार जिहड़े बंदे नूं कन्ना तो सुनाई नहीं देंदा उन्हूं इंग्लिश की कहिंदे ने? फिर कहिंदे उन्हूं कहिड़ा सुनाई देंदा, जो मर्जी कहो। वैसे बताइए आपका नाम उदास क्यों है? इन्होंने नवी मोटर लवाई सी, को ला के ले गया सी। मोटर दी वजह तो मैं उदास होना है ते होर की, यूपीएस दी वजह तो होना है। जो भी साडा एंकर है मासूम। अच्छा, बस च सफर कर रहे ने। अच्छा, एक बंदे ने छत वाज दी थी शमशाद ते बारी च मुंह कट के कहंदे इंजे उठे उत्तों चपेट मारी। फिर अंदर फिर बंदा कहंदा शमशाद, फिर इन्हें मुंह कटे उन्हें चपेट मारी। नाल दा बंदा कहंदा भाई तुहाडा नाम शमशाद आ? कहंदे नहीं, मैं उन्हें बेवकूफ बना रहा। लेकिन आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। उनको कहें जो बेचारी इतनी मेहनत करके आई है, मैं तो वही मुंह लेकर आ गया हूं। क्या आप काला जोड़ा अच्छा किसकी फरमाइश पे पहना है? ये मुझे खुद ही पर्सनली पसंद है कलर, इसलिए मैंने पहने। इनको बताइए कि आपने जूते कौन से पहने हुए हैं? These are Louboutins, ठीक है, उनको loops कहते हैं। आप बताइए क्या कहते हैं, उन्होंने क्या कहा है? मैं सर loose तो कह सकते हैं। कौन सा टोन? Louboutin। वहाँ से टोन? No, Louboutin। Louboutin। और barrier town थे वापडा town? Louboutin। Listen, अदरक। नहीं। आप छोड़ दे कहर साहब, उदास साहब को ट्राई करने दे। उदास साहब आप बताइए क्या कहते हैं? जी क्या है ये? Louboutin। Sorry? Louboutin। क्या कह रही है? कहते देख चपेट मार। बताइए आपने बताया नहीं। जी क्या कहा आपने? Louboutin। अच्छा अच्छा, समझ आई है क्या कहा? जी सर। बस फिर मैं की दसना तेन। ठाकुर साहब आप बताए। Louboutin। एक चीज बड़ी कमाल है ठाकुर साहब, कि आप एक्सेंट बड़ा जबरदस्त पकड़ते हैं और बहुत से कम लोग इस बात से वाकिफ है। Exactly. कि इफ्तिखार ठाकुर साहब एक जमाने में न्यूयॉर्क के अंदर एक बड़ा अरसा गुजार चुके हुए हैं। जी 3 साल 2 माह में रहा यूनाइटेड स्टेट में, मैनहट्टन में जॉब करता था और कहीं और में रहता था। तो वापस क्यों आ गए? उन्होंने जवाब दे दिया और अमरीका इन्हों का कारण सी खुडे च रहते सन। मेरा मकसद वहाँ रहना नहीं था या जॉब करना। सिर्फ एक एक्सपीरियंस के लिए आप वहाँ पे गए थे और आपने एक जमाने में काम किया। जी मैंने 3 साल 2 महीने वहाँ थोड़ा सीखा। क्या मंगी था कहेंगे? न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी भी मैंने ज्वाइन की थी। अच्छा जी सर। जी सर, चाबियां ना कौन दिया सर? मैंने कहा चलो अगर यही काम करना है तो फिर थोड़ा बहुत इसके बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, तो फिर मैंने थोड़ा सा कैमरा लाइट सेट वगैरह ये सारा कुछ पढ़ा भी वहां से। तो फिर भी समझ नहीं आई। फिर जब टारगेट अचीव हो गया तो वापस आ गया। हाँ जी, हालांकि वहाँ पे मैं वेल सेटल था, अगर मैं वहाँ शादी कर लेता या वो ही हरकत करता जो पाकिस्तानी वहाँ करते हैं। शायद बहुत कम लोगों को पता हो कि वहाँ के जो बच्चे होते हैं ना जी, वो जो बच्चे पैदा होते हैं वो माँ बाप के नहीं होते, वो वहाँ की गवर्नमेंट के होते हैं। अच्छा, मैं अगर उनको थप्पड़ मारे तो गवर्नमेंट आपको सजा देगी। अगर आप उनका दूध का ख्याल नहीं रख, खर्चा भी देते हैं वो बच्चों का, वो आपने नहीं खर्चा करना होता। अच्छा, वो हुकूमत खर्चा करती है, इसलिए तो वो कहती है कि आप इनके साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। इवन अगर बच्चा घर से बाहर चला गया और आधा घंटा आपने उसको नहीं ढूंढा तो वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी उस बच्चे को ले जाएगी और सजा के तौर पर फिर आपको वापस नहीं करेगी। मैं वहाँ रह सकता था लेकिन मुझे सारी जिंदगी उन्हीं के बच्चे पालने पड़ते।
तो बुलाते हैं अपने आज के मेहमान को, जो खास तौर पे यूके तशरीफ लाए हुए हैं, रिदम डोल भंगड़ा के लीड सिंगर सुरजीत सिंह। और सुरजीत सिंह का साथ देंगे उनके पाकिस्तानी डीजे जनाब फैसल खान। आज के मेहमानों के लिए एक शेर है सर, इनके मुताबिक। अच्छा। बादल उड़ उड़ा गए हैं, बादल उड़ उड़ा गए हैं, मौसम तप तपा गए हैं और ढोल बज बजा गए हैं, क्योंकि आज मजाक रात में आरडीबी आ गए हैं। ओह भाई वाह 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 वाह, क्या अच्छा बढ़िया आते ही सीधी अहमद शहजाद वाली हरकत की है इन्होंने। अहमद शहजाद वाली हरकत इस तरह है कि इन्होंने एक तो आते ही जुगत कर दी और बेसाख्ता कर दी कि आगे जो भी खड़ा हो ऐसी की तैसी होती रहेंगी। अब तो छह महीने थे। वैसे जैकेट आपको बहुत अच्छी लग रही, अल्लाह मुझे माफ करे। आज मैं सरदार जी के लिए एक शेर कहना चाहता हूँ जी। सरदार जी आए हैं तो माशाल्लाह इनके लिए एक शेर है। उलझे तेरे गानों में ऐसे, उलझे तेरे गानों में ऐसे, अफ्रीकन बच्चे के बाल हो जैसे। अरे वाह ट्रांसप्लांट करा के हुन इहो जी शेर कमेंगा। पैसे लाए हुन कुछ ते कहना ही है। सुजीत क्या हाल है आपके? बहुत जबरदस्त, बहुत वेरी गुड, थैंक यू सो मच। एंड हाउ इज द ट्रिप कमिंग अलोंग? ट्रिप हैज बीन अमेजिंग, क्या आई मीन आई कांट कंप्लेन। बहुत बढ़िया प्यार दिता है लाहौर इस्लामाबाद, हुन असी आए हैं शो करके ता माशाल्लाह बहुत बढ़िया रहे। आपका काफी वैसे एक लगाव है पाकिस्तान के साथ, यू कीप ऑन कमिंग बैक एंड फोर्थ टू पाकिस्तान टू परफॉर्म। पाकिस्तान दा प्यार है जी, देयर इज सो मच लव इन दिस साइड ऑफ द वर्ल्ड। मैं ता आंदा जांदा रहूंगा जिन तक मेरे पैर चलते रहोगे। वाह वाह वाह, पैरों दे नाल दिमाग भी चलना चाहिए। ये तो आप होने चाहिए थोड़े। इस बार फैसल को साथ रखा हुआ है जी, ये फैसल आपके साथ डीजे का किरदार कर रहे हैं। ये शुरू तो साडे नाल ही हैं। फैसल आप क्या थोड़ा रैप भी करते हैं? जी मैं डीजे करता हूँ। बड़े टैलेंटेड आदमी है, तंबू ये ठोक लेंगे, म्यूजिक ये ला लेंगे, ड्रम बजा लेंगे, पैसे एडवांस फाड़ लेंगे। और एक प्रोग्राम च गए थे तीन महीने अंदर भी रहे। क्यों? प्रोड्यूसर का मोबाइल चौके ला गए। यार ये आप खुद जवाब देना चाहेंगे इस बात का? नहीं जी मैं ये अभी क्यों आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आते ही जुगत मार दिए ना, तो इस वजह से मेरा ख्याल है उसका। नहीं वो जो रिएक्शन आ रहा है, मैं उधर का चुप भी तो बैठा हूं। Exactly, जिनको आपने जुगत की थी वो तो खामोश बैठे हैं। खामोश हो। मगर आप उनसे बात करें ना, वो जो आपके बारे में इतने क्लेम कर रहे हैं, इज ही राइट? बोलो बोलो, डरो नहीं होना कुलम। हंसी जा रहे कांचो कबूतर कटो। क्या बोल सरजीत, आप इनको कुछ बता कर नहीं आए थे क्या? नहीं नहीं, वैसे पिछे है ना कहते सी ऐसे उदा ही डिस्कशन करते सी, तो मैं क्या अगर मैं समझ ही आई कुछ या कुछ, तो मैं उर्दू में ठीक ठाक ही समझा, तू बस जुगल मान ली या थोड़ा जा कुछ कह रही। अच्छा आप उन चुप रहे हैं, मैं तो हूं की बना। भाई फैसल बहुत चंगे है जी, बैंक च डाका मारे उ फड़े गए। क्यों? उथे बह के गिनन लग पे 36 37। आई समझ के नहीं? समझी समझी। भाई फैसल थाने जाके कहने लगे जी मैं डाकू मेरे घर आए, टीवी छड़ गए, बाकी सारा कुछ ला गए। ऐसा जो कहता टीवी का तो बचिया, कहते जो मैं देख रहा सी। यार वैसे भाई एयरलाइन में ना एयर होस्टेस ने इनसे पूछा, ये जो इधर बैठे हैं ना, मैं एयरलाइन में एयर होस्टेस ने इनसे पूछा कि आपको कैसा लगा माहौल, कहते जी बिल्कुल घर जैसा, ना मैंने उठू के मूल आंदा ना थे किसी ने मूल आया। आप बताए Are you sure के ये डीजे ही हैं? सर नहीं, ये जहाज से बैठे ने। ऐसा पता की होता है जिंदा यूके च कहते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप। या द मूड ऑफ बहुत यू नो चलता है काफी, ता ही अपना मैनेजर डीजे साथ साथ बने हैं। अच्छा जहाज से बैठे ने यार, उस दिन उन्होंने आके कहते सर आप क्या लेंगे, एक कहते साग दाल बिरयानी कीमा नान, उन्हें कहा जहाज से आया जी फूफी दे वलीमे ते नहीं आया। इनको भी पूछा कि क्या लेंगे, कहता थल्ले उतर के रक्षा। एयर होस्टेस
ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੈਲਟ ਬਾਂਧ ਲੈ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਾਲ ਆਏ ਹੈ ਡੀਜੇ ਹੀ ਇਹ ਤੇ ਬਰਾਤਾਂ 'ਚ ਮੰਗਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਹੀ ਘਰ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਖਵਾਤੀਨੋ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਹਾਜ਼ 5000 ਫੁੱਟ ਬੁਲੰਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਚੀ ਲੈ ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ सदा कोई नहीं है हमारा हम नवा कोई नहीं है है तब्दीली सभी का नारा पर खुद बदलना चाहता कोई नहीं है डीजे खुल चुके हैं रास सारे अगर जे बोलता कोई नहीं है मिसने सारे हैं भाई जी आए हो सी इनदे फैन है गए हैं ए भाई कौन नाल है ये जो हाथ बहुत एडवांस पड़े है उनकी इतनी जबरदस्त डिजाइनर जैकेट है इनदे जो डिजाइनर ये जो इन्होंने पहनी हुई है हां जी ये जो तो खराब हुई ने इनदे बर्तन भी बंदा धो सकदा तपड़ी भी मार सकता जी सोटी ना लाके जाले भी ला सकता जी आप कुछ बताना चाहेंगे नहीं जी मैं कुछ नहीं हूं जी मैं भी जानता हूं जी वेलकम बैक टू मज़ाक रात जी हिना आपका एक गाना है साड़ी गली तो उस गाने में जिसको आप एड्रेस करना चाह रहे हैं क्या उनकी गली तंग थी क्या वो आपकी गली से गुजरना नहीं चाह रही थी मतलब क्या आपका जो साइलेंट मैसेज था उस गाने में जिसको कन्वे करना चाह रहे हैं क्या उन तक पहुंच गया है उस गली से फैसल भाई किराए से रहते नहीं हम अगर और 5 रुपए लेके बच्चों को झूठे देते हैं इंटरेस्टिंग है साड़ी गली आया करो ये क्या आप किससे डिमांड कर रहे थे या फिर गिला कर रहे थे वैसे मुंडा पंजाबी है वो उस गली तो नहीं जाओ इस गली तो आओ मैं क्यों जावा हाँ मगर ये क्या किसके लिए था वैसे ये गाना वैसे कोई खास इंडिविजुअल वास्ते नहीं सी बस उदा ही बनाया सी कैसा लगा आपको भाई जी आए हो सी इनदे फैन है गए हैं ए भाई कौन नाल है ये जो हाथ बहुत एडवांस पड़े है उनकी इतनी जबरदस्त डिजाइनर जैकेट है किना जो डिजाइनर ये जो इन्होंने पहनी हुई है हां जी ये जो तो खराब हुई ने इतना बर्तन भी बंदा धो सकता तपड़ी भी मार सकता जी सोटी ना लाके जाले भी ला सकता जी आप कुछ बताना चाहेंगे नहीं जी मैं कुछ नहीं हूं जी मैं भी जानता हूं मैं दिल वाला बुआ खोलना झोलना वे ए झोलना ये टीवी पे क्यों नहीं गाते हैं बंदा चैनल ही चेंज कर लेंदा वेलकम बैक टू मजाक रात सुरजीत ये आपको लगता है कि अब पंजाबी का जो फैशन है वो थोड़ा सा आउट हो चुका है ढोल छोल सब कुछ वैसे म्यूजिक जिस तरह होता है थ्रू आउट द ईयर्स चेंज हो ही जाता है क्योंकि जेरे बनाने वाले है दे हैव डिफरेंट टंग ऑफ मेकिंग म्यूजिक एवरीवन हैज देयर ओन स्टाइल ऑफ मेकिंग म्यूजिक हुन आजकल जो खास यंगस्टर्स है वो लैपटॉप ते नाले कंप्यूटर ते म्यूजिक बनाते हैं खास यू नो दे डोंट मेक टू मच इंस्ट्रूमेंट्स दे डोंट प्ले इंस्ट्रूमेंट्स वो सब इंस्ट्रूमेंट्स लैपटॉप ही आ जाए सो ओदे नाल थोड़ा जा म्यूजिक चेंज हो गया पंजाबी म्यूजिक भी चेंज हो गया जो कोई भी म्यूजिक होवे वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा जा चेंज हो जाता है अडैप्ट हो जाता है ये नहीं होता आर्ट मिसिंग है आर्ट भी लैपटॉप म्यूजिक बनाने लिए वो भी आर्ट है सो प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेकिंग म्यूजिक ऑन लैपटॉप वो भी आर्ट है सो नाल भाई पंजाबी म्यूजिक दा फायदा बहुत है भंगड़ा भी हो जाता सफाई भी हो जाती यार क्या मतलब सफाई हो जाती है हाँ जी भंगड़ा पा के वेख लो तुसी मगर आप मुझे बताएं आपको आप आजकल की जनरेशन जो है आपको क्या ज्यादा पसंद है पंजाबी म्यूजिक या फिर वो जो जस्टिन बीबर कर रहे होते हैं या फिर वो के जो हनी सिंह वगैरह ने एक और बादशाह ने जो एक कुछ मिला दिया है सब कुछ ही आपस में आई थिंक डिपेंड्स वैसे शादियों वगैरह में या कोई हल्ला गुल्ला टाइप का इवेंट हो तो आई थिंक भंगड़ा करने का बहुत दिल करता है और जितने भी इनके गाने हैं वो सुन के तो आप पैसे लेकिन भंगड़ा साड़ी फैमिली च नहीं पांदे जनाब क्यों नहीं लंगड़ी मेरी फैमिली Where did you come from? Cutting out, Joe. Get out of the car, not Joe. I've been married.
Hey, dude, how you doing? I'm very happy today. Uh-huh. I'm flying to UK next week. Uh-huh. Because the blazing hot here. गर्मी मेरे को बर्दाश्त नहीं होती ये आपसे क्यों बर्दाश्त नहीं होती बिकॉज जदों पेट निकल आती है अच्छा ते ओ मैं किसी नु कहूं ना पेट मार हां ओ मेनू गु जूतियां मार दे यू वांट टू एंजॉय द समर्स इन यूके यस यू नो पैसे भी बना लांगा ते हो सकदा वापस आके इथे मैं घर भी बना लां अच्छा तो फिर तो तुम्हें सुरजीत से बात करनी चाहिए हे हाउ यू डूइंग बेबी आई एम गुड दिस इज अ गुड गाय कौन है तुमने बेबी कह दिया नहीं आई लाइक दिस गाय मेनू चेहरे तो ही लगता है कोई बड़े फनकार है गने ये सुरजीत है आरडीबी के लीड सिंगर है ओ आरडीबी इज अ बिग बैंड या ते तुहाडे नाल मैं बेस गिटार भी बजा लेना जी ते ढोल भी बजा लेना अच्छा आप ढोल भी बजा लेते हो ढोल मैं बजा लेना किर 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 गान गना किर गान गना किर गान गना भाई किर 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 गान किर 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 गान किर 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 गान वाह इसमें ढोल कहां था ये ढोल मैं मुंह नाल बजा लेना मुंह से ढोल उंज ते मैं ढोल नहीं बजा सकदा मैं एक बार चुकया सी उन्होंने मेनू बड़े लिटर मारे वो मैं चोरी चुकया सी ना अच्छा ਨਾਲੇ ਪਾਰਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੱਠੇ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯੂ ਨੋ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨੋ ਖਾਲੀ ਟਿਕਟ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਦੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਉਨਕੋ ਪੜ ਜਾਏਗੀ ਮਤਲਬ ਤੁਮਨੇ ਇਹ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਪਾਉਂਡ ਵੀ ਤੇ ਕੁਮਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਕੁਮਾ ਕੇ ਪਲੀਸ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਹਲੀਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਭੰਗੜਾ ਬੈਂਡ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗੈਟ ਟੂ ਬੀ ਚੇਂਜ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਮ ਦੇਖੋ ਉਹਨਕੋ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸਾਥ ਉਹਨਕੇ ਜੋ ਫੈਸਲ ਹੈ ਉਹਨਕਾ ਤੁਮ ਗੈਟ ਅਪ ਦੇਖੋ ਉਹਨਕੇ ਕਪੜੇ ਦੇਖੋ ਜੈਕਟ ਪੈਂਟ ਸ਼ੂਜ਼ ਤੁਮ ਜੈਕਟ ਤੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ 335 ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਰੇੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਕੇ ਤੁਮ ਦੇਖੋ ਬਾਲ ਛਾਲ ਆਪਣੇ ਆ ਹੁਲੀਆ ਮੈਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਣਾ ਪੈਣਾ ਦਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਮਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੀਅਰਡ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇਗਾ ਧੋਣ ਲਵਾ ਦੇ ਕੁਡ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਹੈਲਪ ਮੀ ਕੋਈ ਚੰਦ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਡ ਸ਼ਾਉਂਡ ਜੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਣਾ ਇਫ ਯੂ ਡੋਨਟ ਮਾਈਂਡ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੇਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਡੋਲਣਾ ਜ਼ਰਾ ਮੁਖਰੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੋਰਾਂ ਕਰ ਵੇ ਮੈਂ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਬੂਆ ਖੋਲਣਾ ਡੋਲਣਾ ਵੇ ਇਹ ਡੋਲਣਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਟੀਵੀ ਪੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾਤੇ ਹੈ ਬੰਦਾ ਚੈਨਲ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸੀਰੀਅਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਡ ਨੇ ਇਹ ਆਪਕੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਨਕੀ ਜੈਕਟ ਸੇ ਕਿ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਤੋ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਕੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਗਾਇ ਆਈ ਨੋ ਦਿਸ ਗਾਇ ਦਿਸ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐ ਲੈ ਸਦਕਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਵਾਪਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਲੋਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪਕੋ ਨੋ ਆਈ ਡੋਨਟ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਸੁਰਜੀਤ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਓ ਯੈਸ ਆਈ ਨੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਇੰਡੀਆ ਯਾ ਨਾਟ ਇੰਡੀਆ ਯੂਕੇ ਯੈਸ ਨਹੀਂ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਤੁਵਲਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਆਇਆ ਨਾ ਤੁਵਲਕ ਵੈਸੇ ਯੂਕੇ ਸੈਟਲ ਨੇ ਯੈਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਤੁਵਲਕ ਯੂਐਸਏ ਨਾਲ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਸੈਟਲ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਿਕਾਜ਼ ਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੀਪਲ ਦੇ ਲਵ ਈਚ ਅਦਰ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਯੂਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ ਯੂਕੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਫਨਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਟਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਐਡੀ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਆ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮੈਨ ਦੇ ਦਿਓ ਅਰੇ ਯਾਰ ਬਲਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਤੀ ਨੇਰੇ ਚ ਬਲਦੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਜੁੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ GPRS ਹੁੰਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਅਗੋ ਖੱਬੇ ਹੋ ਜਾਓ ਇਧਰ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਜੁੱਤੀ ਹੈ ਕੌਣ ਸੀ ਜੁੱਤੀ ਹੈ ਸਰ ਆਪ ਬਤਾਈਏ
ये भी लुई विटॉन दी है. अच्छा, लुई विटॉन की जूती. ओके, सी यू. आई गोना बी कॉल यू. ओके, लेटर, एनी टाइम. ओके, कुड यू प्लीज गिव मी द नंबर. I'll give you the number. हाँ, जूती का नंबर भी ले देना. मैं वास्ते दो नवे शूज मैं तुहाडे वास्ते उत्थे लैके आवांगा, क्योंकि इत्थों दे लंडे दी उह जुतियां पसंद करदे ने. नहीं, उत्थों इधर आंदियां ने ना, फिर इधरों उधर ले जाओ ते उह बड़े खुश हुंदे ने कि शुक्र है साडियां जुतियां सानूं वापस आ गईआं. यस, ए तुसीं देख रहे हो जी जी, इहने दोवां बूटां ने इंग्लैंड दी हुण किहड़ी गली नहीं वेखी होणी. ऑलराइट, सी यू. वेलकम बैक टू मज़ाक रात. जी हिना, अजीबो गरीब क्या है जी? आज की खबर है जनूबी अफ्रीका से. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बंदर बहुत ज्यादा जो है वो शरारती होते हैं, उनकी शरारतों से सब लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं. वहीं एक बंदरिया है जो कि काफ़ी सुगढ़ हैं और वो अपनी मालकन की बर्तन धोने में मदद करती हैं, और वह घर में बर्तन भी धो देती हैं और भी काम काज कर लेती हैं. अच्छा, तो जितनी भी मासियां हैं जो रोज बहाने बनाती हैं और छुट्टी कर लेती हैं और काम पर नहीं आती, वो होशियार हो जाएं, क्योंकि अब बंदरिया उनकी जगह ले सकती है. चोसा, वैसे बंदरियाँ काम करेंगे कितना अजीब जहा लगेगा. बस मालक बांदरी क्या रखे, उठनी दो रोटियां पका के दे. उन्हें कहना वाशिंग मशीन में ला लेनी, इस्त्री नहीं मेरे को होंगे. बांदरी मालकों कह रहे हो जो तुम 5,000 तनख्वाह ना बताई, मैं नाल दिया नौकरी कर लेनी है. और जिस तरह के हिना ने कहा है कि काम करने वाली मासियां होशियार हो जाएं, तो इसका मतलब है ये फैक्ट्रियों में प्रोग्रामों में भी काम करना शुरू कर देंगे. कैसी गल है, साड़ी जगह बांदरियां ले लन. इतने तीन बांदरियां बैठिया चौधरी साहब के सामने, अच्छिया लगनगियां. तो चौधरी साहब नूं की असीं अच्छे लगते हैं, उन्हां दी नजर ना वेखो, तकरीबन मैं बांदर ही हाँ. चलो मुबारक हो जी, एक तो मान गया, बाकी दो ही रह गए. दो नहीं जनाब, तीन. तीसरा कौन? डीजे. जो सर तुसी क्यों डर गए सर? रेडी वन टू थ्री फोर. झांझणी झणक तेने, झांझणी झणक तेने. चुक पै गई है ना. चुक? क्यों? ओ, मेरा क्लिप नहीं वेखे जो मैं बना के भेजा अपने अपना शबाज शरीफ साहब मेरे कैद नाल. हाँ? ओ, जिथे उन्होंने गुजरा वाले पलवान एक लम्हा पाया. हाँ? ओ, क्लिप मेरा ही ना. आपका कैसे है? मैं बनाया सी ना. क्या मतलब? ओ, वायरल होया बड़ा. हाँ? ते ओ जिहड़े पलवान नूं उन्होंने डाया. हाँ? ओ दी प्रैक्टिस पहले मेरे ते कीती ने ना. ना करे. ओ, 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 ते उन्होंने टेबल ते डाया ना. हाँ? ते मेरे ते जिहड़ी प्रैक्टिस कीती है ओ खुरली च कीती ने. मैनू कहंदे ने पुत्तर दुआ कर. क्या? क्योंकि बीमारां दी दुआ ज्यादा लगदी है. ओ हां, ते इलेक्शन च मैं जीत जावांगा ना. हाँ? फिर कहंदे ने तेरा इलाज करावांगे. ओ हां, ते मैं क्या एक बार तुहानू दसवांगे, हो सकदा है मैं कल ना आ सकां. ओ यार, इतना दर कम तुहानू पता ते होवे. नो नो, वी विल अंडरस्टैंड. इस वास्ते मैं ओ सुरजीत सिंह साहब. यस. ओ माय गॉड, ए ते मेरे बड़े फैन ने. आप इनके हैं? हाँ, मैं ते इनका बड़ा फैन हूँ. हाँ? ते अपना फैसल वाडा साहब भी आए. अबे फैसल वाडा नहीं है वो, उनके डीजे. मैं कहना सर, पूरी दुनिया से नाम पैदा किया. हाँ? यूके रहिंदे ने. बिल्कुल. हाँ, बस किसे ले मैं उठे जाऊँ ते इनका पता ले लेना. निर्गोली जी, आज आप बड़े डिफरेंट स्टाइल में चल रहे हैं, आपकी टांगों के साथ. इन्हें दिया अलाइनमेंट होने वाली है. मेरे टायर जरा हवा घटे. ए फोटो में लेनी यार. आप पूछो. हाँ, मैं के थाने चला दे माना. नहीं मतलब पाकिस्तान आंदे जांदे ना, ते कदी कोई सिक्योरिटी दी प्रॉब्लम ना होवे. अच्छा. हाँ, बड़े नाइस बंदे हैगे ने. ओ फैसल दी फोटो ले जाओ, कोई भी केस होए ते इन्हां दे पा दो. तेरा की मसला है? नहीं फैसल, मेहमान दी कम से कम इन्नी ते रिस्पेक्ट करनी चाहिदी है. उन्हां दी ते लिया डाला यार. मैं डाले ते ले जाऊं गड्डी आए ने. नहीं नहीं, गड्डी आए ना जी. ना होवे तो बस तुसी डाला मेरे कोल है. अच्छा, ए है कौन ने? सुरजीत. नहीं नहीं, ये सुरजीत साहब नु तो मैं जानना. ते ए फैसल भाई यादगार ते चिंगची चलाउंदे ने. सामे फजूल गल्ला ना कर, हो सकदा चलाउंदे होण. हां,
ਅੱਜ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਨਾ ਜੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਮੇਰੇ ਜੈਸਾ ਚੌਕਸ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੌਣ ਹੈ ਸਰ ਜੀ? ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ ਸਰ, ਮੈਂ ਹੀ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ, ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਨਾਲ ਬਣਾਓ। ਜੀ ਜੀ, ਗੈਸ ਅੱਛੀ, ਆਪ ਹੈ, ਆਪ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਯੇ ਉਹ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਆਏ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਸੈਲਫੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਬੈ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਇੰਜ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਬੜੇ ਨਫੀਸ ਆਦਮੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਥਾਣੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਵਲਾ 'ਚ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਲਿਆ ਡਾਲਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਡਾਲਾ ਨਹੀਂ, 3 ਬੋਤਲਾਂ ਲੈ ਆਓ, ਵੈਸੇ ਡਾਲਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ। ਬੋਤਲਾਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਤਲਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫੈਂਟੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਤਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗਣੀਆਂ। ਓਕੇ, ਸੀ ਯੂ ਯਾਰ, ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਓਕੇ, ਹਾਂ ਤਬੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਆਪ ਮਾਫੀ ਚਾਹਤੇ ਹੈਂ? ਹਾਂ, ਆਪ ਮਾਫੀ ਚਾਹਤੇ ਹੈਂ? ਆਪ ਚਾਹਤੇ ਹੈਂ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਹਾਂ, ਆਪ ਜਾਤੇ ਹੈਂ। ਓਕੇ, ਸੀ ਯੂ ਸੂਨ।